रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं चना न्यूज़। नाज़रीन, PSL 6 बड़े तनाज़े का शिकार होने से बच गई। जिल्मे की इवेंट बायकॉट की धमकी बिलाहर काम कर गई और वहाब और डेरन सैमी को टीम ज्वाइन करने की इजाज़त मिल गई। PCB ने अपने ही बनाए हुए कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। वहाब रियाज और डेरन सैमी को बायो बबल से बाहर मौजूद टीम ऑनर से मुलाकात और गले लगने पर 3 दिन के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया था। ताहम आज कराची के होटल में बड़ा ड्रामा देखने को आया जब लाहौर कलंदर्स की टीम आधे घंटे से ज़्यादा बस में बैठी रही और पेशावर जिल्मे का स्काउट ना पहुंचा। ज़राए के मुताबिक पेशावर जिल्मे के स्काउट ने कप्तान वहाब रियाज और कोच डेरन सैमी के बगैर जाने से इनकार कर दिया था और PCB हुकाम की जानिब से इन्हें मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मैच को खतरे में देख कर ना चाहते हुए भी वहाब और सैमी को टीम ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी गई। इस हवाले से PCB ने अपने बयान में कहा कि जुमे को बायोसिक्योरिटी बबल तोड़ने वाले 2 अफराद के मामले में फ्रेंचाइज की अपील मंजूर करते हुए दोनों को दोबारा स्काउट में शामिल होने की इजाज़त दे दी गई है। दोनों ने प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी करते हुए बायो बबल से बाहर एक टीम ऑफिशियल से मुलाकात की थी। तर्जमान PCB ने मजीद कहा कि टीम मैनेजमेंट की जानिब से इस खिलाफवर्जी पर अफसोस का इजहार करते हुए आइंदा हर लिहाज से मुहतात रहने का वादा किया गया है। PSL की मैनेजमेंट ने फ्रेंचाइज की अपील मंजूर करते हुए दोनों को दोबारा स्काउट ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी है।